सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं को बताने जा रहा हूँ कैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होती है। चलिए तो इसके साथ में मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले मैंने कच्चे आलू लिए थे, इसे मैंने कट कर दिया है, और इसे मैंने पहले वॉश करके इसके छिकल जो थे उसे निकाल के कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पीसेस में कट कर सकते हो, क्योंकि हमें इसे बाद में मैश करना है। और फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया था। कुकर में हमें इसे 2 सीटी तक लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो कटे हुए पीसेस में, तो ये जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो जो मेरे आलू हैं वो लगभग बॉयल हो चुके हैं, और मैंने एक मैशर के हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट के डाली है, फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली है, और इसमें मैंने नमक डाला। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हो। फिर इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून, आलू स्टॉर्च डाला, ये मेरा 2 टेबलस्पून था। उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाला है, फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 2 टेबलस्पून। आपको ना जो पोटैटो स्टार्च है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला था, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। जो हमारा स्टार्च है वो अच्छे से आलू के साथ मिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग रहेगी तभी जो हमारा आलू रहेगा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। मेरा स्टार्च है वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था, क्योंकि इसे हमें गोल शेप देना, तो पाइपिंग बैग से हेल्प के बहुत ज़्यादा इजी वे में हम इसे शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पहले पाइपिंग बैग के अंदर फिल कर दिया था। मैंने पहले पाइपिंग बैग को अच्छे से फिल कर दिया था। अब आप अपने अकॉर्डिंग शेप रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मोटे फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा मोटे उसे कर सकते हो, बट मुझे जितना चाहिए था मैंने उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया था। मैंने एक बटर पेपर लिया था, उसके ऊपर जो फ्रेंच फ्राइज़ थे उसको डाला है, जिससे ना जो हम जब कढ़ाई में इसे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी वे में हम इसे डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने रिफाइंड ऑयल हीट होने के लिए रख दिया था, फिर मैंने जो फ्रेंच फ्राइज़ है ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में। और बस हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो कलर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। आप अगर चाहो तो आप सरसों का भी तेल ले सकते हो, बट मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, इससे ना फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है। और बस हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी हो गए। आप लोग देख सकते हो इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ज़्यादा एक क्रिस्पी भी था। बहुत ईजी वे में बहुत टेस्टी नाश्ता आप जल्दी से बनके तैयार कर सकते हो। और इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, और इसको अंदर से भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बहुत ज़्यादा ईजी वे में जल्दी से नाश्ता बन जाए। ये बच्चों को भी जो नाश्ता था काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।